नमस्कार, हिमाचल टॉप न्यूज़ की कवर स्टोरी में करेंगे बात। कैसे हिमाचल में कोरोना के कारण मंदी झेल रहे कारोबार को मिला बर्फबारी का सहारा, देखिए हमारी डलहौजी से ये रिपोर्ट। जिला की विश्वविख्यात पर्यटन नगरी डलहौजी में खिली धूप के बीच आज पड़ोसी राज्य पंजाब समेत दूसरे राज्यों के सैलानी बर्फ का दीदार करने पहुंच गए हैं। बताते चले, इस बार हुई रिकॉर्ड बर्फबारी के चलते काफी संख्या में सैलानी पर्यटन नगरी डलहौजी का रुख कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब से नजदीक होने के कारण यहां बर्फ का दीदार करने के लिए आने वाले सैलानियों में ज्यादातर पंजाब राज्य से है, तो वहीं देश के दूसरे भागों से भी यहां सैलानी जुट रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से पर्यटन कारोबार मंदी की मार झेल रहा है, तो वहीं इस बार आसमान से बरसी रिकॉर्ड तोड़ चांदी ने पर्यटन कारोबार को सहारा दिया। मैदानी क्षेत्रों में पहुंच रहे सैलानी यहां बर्फ देखकर खासे उत्साहित है तथा मस्ती करते दिख रहे हैं। पंजाब के मोगा से घूमने आए सैलानियों ने कहा कि वे लोग पहली बार बर्फ देखकर काफी रोमांचित है। उनके अनुसार बर्फ में गिरे भी और थोड़ी बहुत चोट भी लगी, लेकिन बर्फ का दीदार कर मिली खुशी के आगे यह सब छोटा लगा। इस मौके पर हिमाचल टॉप न्यूज ने सैलानियों से बात की तो सैलानियों ने देवभूमि के कुदरती सौंदर्य की दिल खोल कर तारीफ की। बताते चले कि डलहौजी कई दशकों से सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह रहा है। डलहौजी से हिमाचल टॉप न्यूज के लिए सोनू टंडन की रिपोर्ट। सर, तो आप बताएं कि आप डलहौजी में आए हैं सर, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है सर बर्फ का? बहुत बढ़िया लगा जी, पहली बार हमने अपनी लाइफ में ऐसी स्नोफॉल देखी है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं डलहौजी के, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बार टिके हाँ जी सर जी, तुहानू कितना एक्सपीरियंस लगा सर? जी मैडम, ओके, थैंक यू सर। हिमाचल टॉप न्यूज से सोनू टंडन की रिपोर्ट।